चलो देखो पाठ 11 में प्रश्नावली 2.2 का दूसरा हिसाब, इसमें कह रहा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहले दिया है योग और इसके बाद गुणनफल, तो ये हो गया योग और ये हो गया गुणनफल, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, पहला योग दूसरा गुणनफल, इस तरह से है। तो शून्यकों का द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1/4, है ना, एवं गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। तो पहले मान लो इसको समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1 से अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a, इसको हम लोग लिख सकते हैं -b/a बराबर 1/4। यहाँ माइनस है, समझा, तो जैसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax² + bx + c कितना ही होता है। तो अगर मान लो a b और c का मान निकल जाए तो तीनों का मान रख करके द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें a का मान, b का मान और c का मान चाहिए, तो b का मान यहाँ प्लस बी है, यहाँ माइनस बी है, इसका मतलब प्लस बी लाना होगा। तो बराबर के पहले माइनस से गुना कर दो, बराबर के आगे भी माइनस से गुना कर दो, बात हुआ बराबर है, तो प्लस भी प्राप्त हो जाएगा। द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप है जिसमें बी के पीछे साइन प्लस में है, यहाँ बी के पीछे साइन माइनस में आया है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -b/a बराबर 1/4, दोनों ओर गुना कर दो -1 से, तो कोई अंतर नहीं पड़ा, माइनस माइनस प्लस, एक को बी को गुना करेंगे b/a बराबर माइनस और प्लस माइनस 1/4, इतना हुआ। अब समीकरण 2 से गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, तो c/a बराबर -1, इतनी बात को समझाना। तो इसमें हमको निकला b/a बराबर -1/4, इधर निकला है c/a बराबर -1, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको देख करके लगता है ए बी सी का मान प्राप्त हो गया है। बोलो तो b बराबर -1 है, यहाँ a बराबर 4 है, c बराबर -1 है, a बराबर 1 है, ए का मान नहीं मिल रहा है, ए का मान होगा तो सिंगल एक ही न मान होगा, तो ये 4 पुराने के लिए हम लोग 4/4 से गुना कर दे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कट करके 1 हो जाएगा, ये हो गया प्लस माइनस -4 1/4। अब देखो तो ए का मान 4 हो गया दोनों जगह, बी बराबर -1, ए बराबर 4 है ना, और सी एक ही जगह है, सी का मान -4 हुआ, है ऐसी बात। तो लिखेंगे यहाँ ए बराबर 4, दोनों जगह समान मान आना चाहिए, बी बराबर -1, सी बराबर -4, समझी। तब लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से द्विघात बहुपद बराबर
ax square plus bx plus c, ये कमांड दे दो, 4x square plus b बराबर minus 1 x plus c कमांड minus 4, तो 4x square plus minus minus, एक को एक से गुना करेंगे, होगा इतना, प्लस माइनस माइनस 4 आंसर यही हो गया द्विघात बहुपद, समझा? तो बहुपद का दिया अगला, सिर्फ एबीसी का मान निकालना है, मान रख देना है व्यापक रूप में, ये हिसाब पूछता है और निश्चित तौर पर प्रत्येक वर्ष पूछता है। दूसरा रूट टू, और ये सॉरी पहले दिया है शून्यकों का योग, तो ये हो गया शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है रूट टू, इसके बाद दिया है योग के बाद गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। अब इसको मान लो समीकरण 1, 2, समीकरण 1 से अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट टू, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस बी बाय ए बराबर रूट टू, है ना, तो बी हमें हमेशा प्लस में चाहिए, क्यों, क्योंकि व्यापक रूप में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, तो यहाँ माइनस बी आया है, यहाँ प्लस बी है, तो माइनस बी को प्लस बी में सबसे पहले बदलो, तो दोनों ओर माइनस से गुणा कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस रूट टू, नीचे हम कुछ नहीं है तो एक है, तो बी का मान माइनस रूट टू आया, ए का मान 1, ये समीकरण 3 मान लो। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 से अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है सी बाय ए होता है, सी बाय ए बराबर 1/3, अब दोनों में मिलाओ, बी एक ही जगह है, जैसे बी बाय ए बराबर माइनस रूट टू बटा 1, और यहाँ आया है सी बाय ए बराबर 1/3, तो इसको अगर हम लोग मान ले समीकरण 4, ये हुआ समीकरण 4, तो समीकरण 3 और 4 से, 3 से b बाय a बराबर इतना है, तो b देखो दोनों समीकरण में एक ही जगह है, इसका मतलब b का मान माइनस रूट टू है, c भी दोनों में एक ही जगह है, c का मान 1 है, a मिलाओ तो a यहाँ 1 है, यहाँ a 3 है, 3 है, इसका मतलब इसमें 3/3 से गुना कर दोगे जी, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 3 को रूट टू से गुना करेंगे 3√2, 1 3 3, ये हो गया तुमको 1/3, ये इतना, अब देखो तो b का मान हो गया 3 − 3√2, a का मान यहाँ भी 3, a का मान यहाँ भी 3, सी का मान 1 हुआ जी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर 3 हुआ, ए बराबर 3, बी बराबर माइनस 3√2, सी बराबर 1, है ना, इसको समझा, अब द्विघात लिखेंगे, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का मान हुआ 3, तो 3x² प्लस बी का मान हो गया −3√2 एक्स प्लस सी का मान 1, ये हो गया 3x² प्लस माइनस माइनस 3√2 एक्स,
प्लस वन द्विघात बहुपद हो गया मिलान सर जी सही है ना। तीसरा पहले दिया है शून्य कौन का योग जीरो तब गुणनफल ये हो गया गुणनफल ये हो गया योग तो अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्य शून्य कौन का योग ये हो गया गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर रूट फाइव। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस बी बाई ए बराबर शून्य ये कितना होता है सी बाई ए रूट पाँच के नीचे कुछ नहीं एक इसके नीचे कुछ नहीं एक ए का मान मिल गया है ना सबका मान मिल गया बी का भी मान जीरो है यहाँ माइनस है तो मान लो प्लस कर दिए यहाँ माइनस से गुना करेंगे माइनस जीरो का मतलब जीरो तो ए बराबर हो गया एक ए बराबर एक बी बराबर शून्य सी बराबर पाँच द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी ए का मान एक तो एक को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान शून्य गुने एक्स प्लस सी का मान रूट फाइव ये हो गया एक्स स्क्वायर ये हो गया शून्य का कोई वैल्यू नहीं प्लस रूट फाइव ये हो गया समझ रहा है आंसर जी समझ रही हो कि खाली तुक में तुक नहीं मिला रही हो चौथा योग दिया है एक गुणनफल एक यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर एक अल्फा इंटू बीटा बराबर एक तो ये हो गया माइनस बी बाय ए बराबर एक होगा माइनस के बदला प्लस लाना है बराबर के पहले माइनस से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस ये एक का मतलब एक बटा एक इधर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस एक बटा एक होगा इसको अगर तोड़ेंगे तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए बराबर एक है इसके नीचे एक छिपा है तो अब इन दोनों को मिलाओ बी बटा ए बराबर माइनस एक बटा एक फिर सी बटा ए बराबर एक बटा एक ए का मान मुख्य रूप से मिलाना रहता है मिला हुआ है जी। इसका मतलब ए बराबर एक ए बराबर एक बी बराबर माइनस एक सी बराबर व्यापक रूप में सबका मान रख दो तो द्विघात बहुपद होता का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए का मान एक तो एक गुने एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान माइनस एक प्लस सी का मान एक ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वन एक्स यानी एक्स प्लस वन यही हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ना। इसका आंसर पांचवा अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है पहले योग माइनस एक बटा चार और सब गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर एक बटा चार इसको हल करेंगे तो ये हो गया माइनस बी बाय ए बराबर माइनस एक बटा चार दोनों और माइनस से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा ये हो गया सी बाय ए बराबर एक बटा चार यहाँ ए का मान मिलाना है क्योंकि दोनों समीकरण में है तो ए यहाँ चार है ए यहाँ चार है वो हेतु गया है ना ए बराबर चार बी बराबर ए बी बराबर ए तो व्यापक रूप से क्या हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी चार तो चार एक्स स्क्वायर बी का मान वन एक्स यानी एक्स इतना हुआ आंसर है ना।
समझ रही है ना? जी। पांचवां छठा अल्फा प्लस बीटा चार अल्फा इंटू बीटा बराबर ए। इसको हल करेंगे ये हो गया माइनस बी बाय ए बराबर चार। माइनस को पहले प्लस करो तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी बाय ए बराबर माइनस चार बटा एक नीचे में छुपा है ये हो गया योग। अब गुणनफल में आ जाओ तो इतना बराबर सी बाय ए बराबर एक यानी एक बटा एक। ए का मान मिल गया एक, बी हो गया माइनस चार, सी हो गया एक। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी ए का मान ये एक है ना, चार बटा एक हो गया। एक को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे इतना ही बी का मान माइनस चार है। एक्स प्लस सी का मान ये और ये है ना जी। तो ये का मान एक तो ठीक है ना, प्लस बी का मान हो गया माइनस चार, ये भी ठीक है। सी का मान एक हुआ, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस फोर एक्स प्लस वन है ना इतना जी। तो इसको तू लोग समझा, ये चैप्टर समाप्त है, अगले पार्ट में अगला चैप्टर।